नहीं, बॉटम आउट होगी जो इंसुलेशन दे। अरे अरे ये भी नहीं होता। अगर किसी के पास हैरियर है, किसी के पास एक्सयूवी है और उसको दूसरी शहर में चलाने वाली गाड़ी चाहिए तो पंच मत लो। हुंडई भी जोर शोर से बोल रही है इस बार, क्रेटा के बारे में बोला था बट हुआ क्या उसका। बट 800 किलोमीटर के लिए आप अपने घुटने को डैशबोर्ड से नहीं लड़ा सकते। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इस गाड़ी से और कैसी निकली? मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मुझे पता है हुंडई क्या बना सकता है। तो मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे बटन दबाऊं और इसके सनरूफ खुल जाए, उससे क्या फायदा, मेरा एक पैर कटा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक्स्टर के रिव्यू में मैंने बोला था कि जो ये एक्स्टर है वो हैचबैक गाड़ियों से काफी अच्छी है, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि यार ये पंच के सामने कुछ भी नहीं है। हैचबैक से बढ़िया बोलने का मेरा एक रीजन था जो आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। और हमारे साथ है टाटा की पंच भी और हमारे साथ इनके ओनर भी हैं अंतस जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू। इनको टियागो का 40,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, उसके बाद 20,000 किलोमीटर पंच का एक्सपीरियंस है। हम इनसे एक्स्टर को एक्सपीरियंस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा कि टाटा पंच क्यों अलग है इस एक्स्टर से। बहुत सारे रीज़न हैं और सबसे बड़ा रीज़न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अप्रोच एंगल है टाटा पंच का वो एक्स्टर से कहीं ज़्यादा है। और टायर का साइज़ देख लीजिए, ये है एक्स्टर का टायर और ये है टाटा पंच का टायर, जो कि टाटा पंच को काफ़ी हद तक ऊंचा उठा देता है क्योंकि साइज काफ़ी अच्छा है। टाटा पंच का सस्पेंशन का ट्रैवल देखिए आप, और इधर देखिए एक्स्टर का जो ट्रैवल है, जितना एक्स्टर का ट्रैवल है उतना टाटा पंच में अगर तीन लोग बैठेंगे उतना बचता है। बोनट की हाइट इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंदर है, ये बोनट लंबा भी है और ये ऊंचा भी है, जिससे कि ज्यादा एसयूवी फील आपको इस गाड़ी में आएगा। अंतस जी आप मुझे ये बताइए, इसका डिजाइन कैसा लग रहा है? डिजाइन के मामले में अगर मैं बोलूं तो मुझे काफी फ्यूचरिस्टिक लगा। गाड़ी जो स्क्रीन पे दिख रही थी, जब मैं यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी बड़ी दिखती थी साइज से, बट एक्चुअल रियल लाइफ में थोड़ी सी छोटी है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था पंच के कंपैरिजन में। हाँ, पंच के कंपैरिजन में भी, और वैसे भी मैंने सोचा था कि इस वैसे काफ़ी टॉल होगी क्योंकि लोगों ने बोला कि लगभग 15 mm या 30 mm लंबी है, ऊँची है, पर उतनी लगी नहीं मुझे। अब अगर मैं साइड बाई साइड देखूँ तो उतनी ऊँची लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि देखो ना जो ये रूफ रेल है इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी हाइट बड़ी हुई लग रही है। हाइट के मामले में बात करें तो कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन जो आगे है अंतर वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब है बोनट काफी ऊंचा है। आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी होगी चैपी। अच्छा, चैपी का रोबोट मुझे कुछ कुछ इसके जैसा लगता है। अच्छा, मुझे वैसे क्यूट फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिजाइन लगता है मुझे। आपको ये एसयूवी लग रही है किसी एंगल से? एसयूवी तो नहीं लग रही, बोनट इसका थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था। प्रोजेक्टर्स हैं, स्प्लिट डीआरएल और हेडलैम्प सेटअप है, बट स्टिल वो जो माचो लुक आना चाहिए ना एसयूवी बोलने के लिए, वो इसमें मिसिंग है। देखिए अगर आप फोटोज में इन गाड़ी को देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं आएगा कुछ ज्यादा, अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस में ज्यादा अंतर नहीं है ऑन पेपर, 185 इसका है, 187 उसका है, लेकिन जब आपका अप्रोच एंगल ही अच्छा नहीं है तो ग्राउंड क्लियरेंस से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा तो नीचे टच हो जाना है, क्योंकि गाड़ी जब ऑब्स्टिकल में जाएगी ना तो गाड़ी के ये वाले हिस्से को सबसे पहले फेस करना पड़ेगा। मैंने तो आपको स्पेस चेक करके बता दिया था इस गाड़ी के अंदर, आप पंच ओनर को बोलते हैं कि इस गाड़ी के अंदर का स्पेस चेक करवा जाओ, और इनग्रेस ईग्रेस कैसा है ये भी बताना हमें साथ साथ में। देखो गाड़ी में एंटर होना तो आसान है, बट अगर मैं जब बैठ गया हूँ तब मुझे लग रहा है जैसे मैं हैचबैक में बैठा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे बोनट उतनी क्लियरली दिख नहीं रहा। वो अगर आप सीट ऊंची करेंगे तो अब दिख रहा है क्या? अभी भी ठीक है, बट मुझे मेरे बोनट में बिल्कुल डीआरएल के पास की जो लाइन है ना वो दिखती है। यहाँ पे जहाँ पे आपने वो अक्षत लगा रखा है वहीं तक दिख रहा है, पूरा पोर्शन बोनट का यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप रिलैक्स पोजीशन में? हाँ, रिलैक्स पोजीशन में हूँ। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, जो एंगल बनना चाहिए आपका नीज का, आपकी थाइज का और फिर आपकी कमर का, वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है इसमें। और एक चीज़ अच्छी है इसमें, टाटा की हर गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है कि वो आपका जो लेफ्ट नी होता है ना वो आपके डैशबोर्ड पे जाके कहीं ना कहीं टकराता ही है। इसमें नहीं टकरा रहा? इसमें नहीं टकरा रहा, इसमें मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, आप अपने हिसाब से पोजीशन सेट कर लीजिए, उसके बाद पीछे का स्पेस बताना हमें। बिल्कुल परफेक्टली अब मैं बिल्कुल टक इन हूँ। ठीक है, ये पोजीशन मेरे लिए बेटर है। पीछे देखते हैं, हाँ स्पेस यहाँ पे भी अच्छा है पर थाई सपोर्ट उतना बेटर नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि रियर हेडरेस्ट है इसमें, पंच में नहीं है।
पंच में आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। ये जो एंगल होता है ना आपका क्या बोलते हैं बैक का रिक्लाइन, वो भी रिक्लाइन एंगल भी सही है। अच्छा। पंच में थोड़ा सा आप ऐसे बैठते हो, ओके, स्ट्रेट बैठते हो, ये ठीक है, बट इसका थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि जब आप बैठते हो ना तो आपको लगता है जैसे आप गाड़ी के अंदर आ गए हो। अच्छा। पंच में लगता है आप गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हो। वो एसयूवी वाली जो फीलिंग होती है ना कि आप चल रहे हो और नीचे देख रहे हो। हाँ। वो उसमें मिलेगी, मतलब आप गहराई में बैठे। हाँ, कहने का गहराई मतलब। में बैठे। एक बार मैं शीशा बंद करता हूँ, इसका डोर बंद करता हूँ, तो आप देखना बताना मेरे को कि यार कि ग्लास एरिया सही है। ग्लास एरिया बिल्कुल सही है। हाँ। ग्लास एरिया पंच से बेटर है। अच्छा, पंच से बेटर। काफी वाइड विंडो है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप में, काफी बड़ी है। ये अच्छी चीज है। हम थोड़ा सा ज्यादा है पंच से, 19-20 का फर्क है, बट फिर भी रियर एसी वेंट्स है। हाँ ठीक है, वो मतलब गिमिक फीचर अच्छा है बट इतने फायदेमंद होगा वो तो गर्मी में पता लगेगा। मैं आज तक एसी दो बंदों या तीन बंदों में भी दो पे चलाता हूँ एसी, और स्पीड फैन स्पीड भी दो पे ही रहता है। बूट देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ है, मैं पंच का बूट भी ओपन करवाना चाहूंगा, एक बार अनलॉक करना, क्योंकि ये गंदी है पंच है। कोई बात नहीं, सामान तो है। आप देखो यार 391 लीटर इसको बोल रहे हैं, और इसका कितना लीटर है? 360 के आसपास बोल रहे हैं। 360 के आसपास। हाँ। अंतर क्या लग रहा है आपको ये बताओ, मुझे तो इसका थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। हाँ ये ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा है। ये थोड़ा स्क्वायरिश है, मतलब डीप है, ये वाला एरिया इसका ज्यादा है। ऊंचाई लगभग बराबर है इनकी, बट ये ज्यादा क्लीन लगता है मुझे। और ऑब्वियसली हुंडई फिट एंड फिनिश के मामले में पंच से बेहतर है। आपको ये जो कैप मिल रहे हैं ये सब नहीं दिखते हुंडई की किसी भी गाड़ी में नहीं दिखेंगे। ये चीज एक्स्टर में अच्छी है। पीछे से भी ना एसयूवी जैसी नहीं लगती है ये। कैसी लग रही है? माचो नहीं लगती है। आप ये देखो ना, ये जहाँ खत्म होती है यहाँ पे इसकी लाइन शुरू हो रही है टेल लैंप की। पर दूसरा है कि भाई इसका ग्लास एरिया ज्यादा बड़ा है। हाँ। आपको रियर मिरर में ये ज्यादा बड़ा दिखेगा। मुझे सही में प्रॉब्लम होती है पीछे देखने में, अगर मैं अंदर वाले मिरर से पीछे देखूं उसमें दिक्कत होती है। ये दोनों बाहर वाले मिरर ही मैं यूज करता हूं। तो चलिए अब हाथ के हाथ ड्राइव करवाते हैं अंतर जी से, आ जाइए। गियर बॉक्स तो बिल्कुल स्मूथ एक्यूरेट। क्लच वगैरह कैसा लग रहा है आपको? टाटा इतना लाइट नहीं है, और ये जो नई वाली पंच है ना। हाँ। वो तो और भी लाइट है, मेरे से भी लाइट है। एट एनी डे हुंडई तो स्मूथ है इसका इंजन। मैंने आपको इन्वॉल्व के बहुत सारे परफ्यूम दिखाए हैं, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस दिखाई, लेकिन हम इंडियन पता है क्या चाहते हैं? ऐसी फ्रेग्रेंस जो गाड़ी को जल्द से जल्द फ्रेश कर दे, और वो पता है किस टाइप की होती है? वो लेमन टाइप की, लाइम टाइप की, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उनके लिए है इन्वॉल्व का जेल, जो कि है सिट्रोइन। और इसको खोलते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा इसको खोलने में। ऐसे ऐसे इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, लाइम और लेमन जैसी है, जो कि आपकी गाड़ी को बहुत जल्दी फ्रेश कर देती है। और ना ये स्पिल प्रूफ है, आपकी गाड़ी में गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो गाड़ी के अंदर। और ना ये काफी लंबा चलता भी। अगर आपको भी ऐसा ही इंटरेस्ट है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसका। शुरुआत में रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पिकअप अच्छा है इसका। अच्छा पिकअप अच्छा है। मैं अभी से इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका इंसुलेशन अच्छा है गाड़ी का। सस्पेंशन कितना झेल रहा है ये मुझे यहाँ पे नहीं पता लगता। बिल्कुल आपको झेलवाएंगे सस्पेंशन भी। आप बिल्कुल खींच के चलाइए इसको, जैसे चलानी है आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से। अंतर जी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, और मेरे लिए भी जो नी रूम है ना यहाँ पर बहुत अच्छा है। हेडरूम तो इस गाड़ी का वाकई में अच्छा है। एक चीज और अच्छी है, अभी मैंने टर्न पे देखा, पंच की तरफ बॉडी रोल नहीं है। अच्छा उसमें बॉडी रोल है क्या? हल्का सा होता है। ओके बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसमें हो सकता है कि सस्पेंशन का जो ट्रेवल है ना काफी ज्यादा है। हाँ, उसकी वजह से हो सकता है। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। हाँ, कि अगर आप तेज स्पीड में आप बंप में ले जाओगे। हाँ, तो जो डेड एंड आता है वो जल्दी नहीं आएगा। भाड़ से जो आवाज आती है ना, वो नहीं आता। हाँ, बॉटम आउट नहीं होता इसके सस्पेंशन। इंजन काफी स्मूथ है, BS6 2 Phase 2 वाली से ना के कंपेरिजन में 19-20 का फर्क है। जो मेरी वाली BS1 Phase 1 वाली है उसमें, उससे बेटर है काफी। आप फ्यूल एफिशिएंसी क्या ले रहे हो पंच से अभी? अगर मैं अपनी गाड़ी को 90-80 के बीच में रखता हूँ तो मुझे यहाँ से लखनऊ के बीच में 18.2-18.5 का माइलेज मिलता है। टैंक टू टैंक? हाँ टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ। देखो लखनऊ वाली जो रोड है ना यहाँ से, वो काफी साफ सुथरी, आपको एक बार भी ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। अगर मैं वही 80-90 रखूँ मैं, अगर मैं एक आप कभी गए हो बीकानेर से जैसलमेर, अच्छा, तो वहाँ पे 17.5-18 के लगभग मिलता है। टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ, चार बंदे बैठे होते हैं, बूट फुल होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जानकारी के लिए एक बात बता दूँ आपको, जो BS6 Phase 2 वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, Phase 1 वाली की कंपैरिजन है, उनका जो एवरेज है
वो अच्छा हो चुका है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो ये इंजन हो 1.2 लीटर वाला जो कापा इंजन है, सबका एवरेज जो है अच्छा हो चुका है। और हैंडलिंग वगैरह कैसी लग रही है आपको? हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखना चाहूंगा मैं, आपके फीडबैक लेना चाहूंगा। थोड़ा सा तेज चलाओ आप इसको। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो कैसा लगा आपको? नॉट बेटर देन पंच, इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब प्ले है स्टीयरिंग में, ये देख लो आप। हाँ। गाड़ी कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रही, मतलब लेट रिस्पॉन्स आता है। हाँ। जल्दी नहीं आता है। और थोड़ा सा यहाँ पर रोड खाली है, एक बार खींचो इसको। टाइम ले रहा है इसका इंजन थोड़ा सा ना। हाँ, डाउन शिफ्ट करना था, थोड़ा सा जिगजैग करके देखो। सही है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है क्या इसमें? हाँ, सब कुछ है। हाँ, नो डाउट मैं इंजन के मामले में बेटर है गाड़ी। मैं अगर ये कहूँ कि कर्व्स पे अगर मुझे गाड़ी मोड़नी हो तो मैं इसमें रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके। गाड़ी की फील ठीक ठाक है, मुझे बस एक चीज़ ख़राब लगी कि ये बिल्कुल को ऐसा दे दिया, कुछ इसमें और डिफरेंट कर सकते थे। मुझे पंच का डैशबोर्ड पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है, उसके जो प्लास्टिक पे फिनिश है आपको ऐसा लगता है जैसे ओक वुड को ब्लैक में पेंट किया हुआ हो, जहाँ आप जैसे घुसाते हो गाड़ी पूरी इधर से उधर हिल जा रही है। ये फिर बता देता है कि बॉस कौन है। मतलब अलग क्या फील हुआ पंच में, यहाँ पर कैसा फील होता? पंच में गाड़ी ना क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल उतना मूवमेंट नहीं होता। ओके। गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं हिलती, ऐसे भले हिल जाए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गड्ढा है, यहाँ पर थोड़ा तेज रखना है स्पीड को, खींच दो भले फर्स्ट गियर में। चलो 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 चलते रहो, नहीं टकराएगी। नहीं नहीं नहीं, बॉटम आउट होगी। ये नहीं होता है पंच में। ये नहीं होता पंच में। पीछे वाला चक्का बॉटम आउट हुआ है इसमें, और ये जो अंडर क्लैडिंग जो चीजें लग रही है ना, वो भी इतना नहीं लगती। मैं एक चीज बताना भूल गया, जो इंसुलेशन, अरे अरे ये भी नहीं होता, ये मजा नहीं देगी पंच जैसा। मतलब रोड बिहेवियर इसका अच्छा है। हाँ। और जो खराब रास्तों में जो परफॉर्मेंस है, जो कि एक एसयूवी ने हैंडल करना चाहिए गड्ढों को, खराब रास्तों को, तो वो ऐसे हैंडल नहीं कर पाती है ना। हाँ। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें ट्रेडमिल पे एक लड़की चल रही होती है, उसके बगल में बिल्कुल ही माचो 6 फीट लंबा लड़का आता है। हाँ। और फिर जब वो दौड़ना शुरू करता है। हाँ। तो लड़की कहती है कि क्या ही है यार, छोड़ो उसको। तो ये कुछ ऐसे ही है। कि भाई स्टांस तो उसका बिल्कुल वैसा बना रखा है, बोल रहे हैं ऐसी वाली, लेकिन जैसे ही खराब सड़क आई, सस्पेंशन बॉटम आउट होने लगे। थोड़ा सा क्लैरिटी दो अपने हिसाब से, क्योंकि आप पंच के ओनर हो, कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए है और जो पंच है किन लोगों के लिए है। मुझे पंच उन लोगों के लिए है जिनको गाँव देहात की सड़कों पे भी जाना है। अगर आपको राजस्थान जाना है या हिमाचल जाना है, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि बस शिमला गए और धर्मशाला गए, मेन ऐसी शहर गए जहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, आपको अगर काजा जाना हो, आपको स्पीति जाना हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। ये लड़ेगी पक्का, क्योंकि इसका व्हील बेस भी 50 mm ज़्यादा है, तो थोड़ा चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं लड़ने के। और ये आपको तब लेनी है कि भाई आप कॉरपोरेट लाइफ जी रहे हो, गुड़गांव में हो, वीकेंड पे आपको ज्यादा से ज्यादा वो जो फार्म हाउसेस वाले पैकेज होते हैं 2000-2500 में टिकट वाले की, यहाँ गए फार्म हाउस में घूम लिया जी, तो वैसी जगहों के जाने के लिए कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग कर लेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, गाड़ी ये कहीं पर भी जा सकती है। हाँ। लेकिन जो बात पंच में आएगी, जो कॉन्फिडेंस आपको पंच में आएगा, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हैचबैक और इसमें कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हो। पर ये भी बात सही है कि भाई अगर मुझे 4 घंटे शहर में गाड़ी चलानी हो, तो मैं पंच को ना लेके इसको लेके जाऊंगा। अगर किसी के पास हैरियर है, किसी के पास एक्सयूवी है, और उसको दूसरी शहर में चलाने वाली गाड़ी चाहिए, तो पंच मत लो, ये ले लो। और अगर किसी को शहर में भी चलानी है, लंबे लंबे रूट पे भी जाने हैं, 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर भी एक दिन में करना है, फिर तो आप पंच ले लो। अच्छा, मुझे NVH और ओवरऑल रोड नॉइज ये सब चीजों के बारे में बताओ। NVH इसका कम है। हाँ। रोड नॉइज कम है, गियर शिफ्ट इसके स्मूथ है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप संभल के रहना। ब्रेक भी इसके बेहतर है। अच्छा, बेटर है। हाँ, बेटर है। बाइट अच्छी है इसकी, बाइट अच्छी है। पंच ना थोड़ा सा 1 सेकंड लेती है, मतलब
ऐसा लगता है जैसे आपने दबाया हो ना, तो पहले सेकंड में लगता है कि यार ये तो ब्रेक ही नहीं दबाया, क्या हो गया, फेल तो नहीं हो गया, फिर अचानक से वो जोर से ब्रेक लगता है। अच्छा, इसमें है नहीं कि प्रोग्रेशन बिल्कुल अच्छे से है। अब ये टेस्ट में कैसे आती है वो तो भगवान ही जाने। अच्छा, क्रैश टेस्ट वाली बात कर लेते हैं, क्या उम्मीद लग रही है? हुंडई भी जोर शोर से बोल रही है इस बार। वो तो क्रेटा के बारे में बोला था, बट हुआ क्या उसका? और मुझे पकड़ने में भी ना, मतलब ये प्रॉपर हैचबैक लगती है, ये पकड़ने से भी ऐसा नहीं लगता कि आप बड़ी गाड़ी में बैठे हो। स्टीयरिंग थोड़ा सा ऊंचा है अगर देखा जाए, आपकी छाती के आसपास आ रहा है। हाँ। और वो चीज पंच में थोड़ी सी अलग रहती है, आप ऊंचा बैठते हो स्टीयरिंग से, राइट? और सीटों का कंफर्ट वगैरह कैसा है? मैंने जस्ट जब बैठा था तभी मैंने बोला, मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से टकिन हूँ, और मुझे सबसे बड़ा कंसर्न होता है पंच में बैठ के ना, अगर मेरे पीछे कोई बैठ गया है, जैसे आप मेरे पीछे बैठ गए हो, तो मुझे कंसर्न होता है, क्योंकि मैं पंच में जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता हूँ ना, तो सीट बिल्कुल पीछे करता हूँ ताकि मेरा घुटना न टकराए डैशबोर्ड से। शहर में तो चलो मैनेज होता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए, बट 800 किलोमीटर के लिए आप अपने घुटने को डैशबोर्ड से नहीं लड़ा सकते, राइट? उसमें मुझे सीट सबसे पीछे करनी पड़ती है, और तब मुझे ध्यान देना पड़ता है कि पीछे कौन बैठा है। तो ये चीज इसमें अच्छा है, लेआउट इसका डैशबोर्ड का अच्छा है। पंच के सेंटर कंसोल का लेआउट उतना अच्छा नहीं है, वो आपके घुटने से प्रोट्रूड करता ही करता है। देखो बॉडी रोल इसका सही है, यहाँ पे भी मोटी गाड़ी बिल्कुल सही लग रही है। अच्छा, आपने कुछ जैसे इसके रूमर्स वगैरह आए, स्पाई शॉट वगैरह आए, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इस गाड़ी से और कैसी निकली? मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मुझे पता है हुंडई क्या बना सकता है, तो वैसे ही निकली मुझे। अच्छा, हाँ, मुझे ये पता था कि भाई फिट एंड फिनिश अच्छी होगी, वो ऑब्वियसली इसकी है। हाँ, मैंने ये सोचा था कि कुछ तो ये करेंगे कि भाई सेफ्टी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, अब लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, सेफ्टी रेटिंग आ जाएगी इसके लॉन्च होते ही, या उससे पहले भी आ जाए, कई बार हाइप तो क्रिएट करना ही होता है। बट उस मामले में हुंडई अभी तक साइलेंट है, कुछ नहीं बताया। स्कोर करेगी, अरे करेगी, उससे बेहतर है तुम टेस्ट करा के यार सेल्स बढ़ाओ अपनी। राइट राइट, आप पहले टेस्ट के लिए भेज दो और आप बोलो कि मेरी गाड़ी 5 स्टार है, देखो बस हमारी गाड़ी में तो यही कमी थी कि ये 5 स्टार नहीं होती थी, देखो हमारी गाड़ी भी 5 स्टार है। और मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ पंच चलाने के बाद कि इसका इंजन स्मूथ है, तो भाई इंजन स्मूथ है ही, 5 स्टार है ही, फीचर सारे मिलते हैं, अब क्या चाहिए? कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट आ गया, लेकिन जो सेफ्टी जाता है उनको क्लैरिटी नहीं है कि हाँ, लें या फिर नहीं लें। नहीं लें। आपको एक याद होगा, पुणे में एक बड़ा फेमस एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अच्छा, वैसे एक्सीडेंट में मैं पंच में रहना चाहूंगा ना, मैं ऐसी गाड़ी में क्यों रहूंगा जिसका मुझे सेफ्टी रेटिंग ही नहीं पता। चाहे मैं कितने अच्छे सनरूफ खोल लूं, चाहे मैं कितने अच्छे कुछ भी बोल के इसको वॉइस कंट्रोल कर लूं, मैं जिंदा नहीं बचूंगा तो उससे क्या फायदा। बात सही है। मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे बटन दबाऊं और इसके सनरूफ खुल जाए, उससे क्या फायदा, मेरा एक पैर कटा हुआ है। बातें तो बहुत गहरी करी। बात करें 6-7 लाख 8 लाख 9 लाख के बजट की, वहां पर परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, आपको क्या लगता है? ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपके पास गाड़ी हो और वो सेफ हो। हाँ जी, हाँ जी, हम इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं कि भाई कल को कुछ हो हमें तो फैमिली सेफ रहे। बट वही जब गाड़ी लेने लगते हैं तो पैसे देखने लगते हैं कि भाई कितना माइलेज मिलेगा, सर्विस कितनी सस्ती हो जाएगी। आपको कितना अंतर महसूस होता है BS6 फेस 1 और फेस 2 के बीच में? कंसिडरेबल डिफरेंस है। अच्छा, मैं वो बता सकता हूँ कि वो स्मूथ है, स्टिल इतनी स्मूथ नहीं है जितनी ये है। देखो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में लो एंड का भी बहुत डिफरेंस होता है, आप इसको क्लच में उठा दोगे आसानी से, वहाँ पर थोड़ा बहुत वो वाइब्रेट करती है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्लच का। ड्राइविंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, खासकर सिटी में। हाईवे में तो उतना ज्यादा अंतर आपको फील नहीं होगा। इस सिटी में बिल्कुल आपको पैपी लग रही होगी, इजी टू हैंडल लग रही होगी, स्मूथ लग रही होगी, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होगा इसको चलाने में, है ना? नहीं, अगर किसी न्यू ड्राइवर को भी सीखना है ना, तो पंच में नहीं सीख पाएगा उतने अच्छे से, बिकॉज उसके गियर्स नॉची है, उतने सही से नहीं पता लगते कि भैया यहीं पे स्लॉट करना है, इसके गियर स्लॉट बड़े अच्छे से हो रहे हैं। नया बंदा उसमें अगर चलाए ना, तो हो सकता है 3 की जगह 5 लगा दे। अच्छा, ये वो सही स्लॉट होती है। मैंने सुना ये CNG में भी आ रही है ना शायद? हाँ, CNG में भी। देखो ये भी एडवांटेज है भाई, शहर में अगर चलानी है तो। तो अंतस जी ने गाड़ी चलाई, अपना पूरा जेन्युइन फीडबैक दिया, ठीक है, क्योंकि ये पंच को ओन करते हैं और अच्छा खासा चला भी चुके हैं, और जैसी ये गाड़ी चल रही है वैसे इन्होंने बताया। हालांकि ये फेस 1 वाली गाड़ी है, फेस 2 के साथ मैंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ है, वो आप उसका इंतजार करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू अंतस भाई आने के लिए, अपना फीडबैक। माय प्लेजर।